बुलंदशहर से खबर, जहां पर ऑनर किलिंग के डर से एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे नवविवाहित जोड़े के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने एक वीडियो जारी कर बताया कि अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी गई थी। वीडियो में नवविवाहिता कह रही है कि वो अपनी मर्जी से अपने मायके के लोगों के साथ गई थी, फिलहाल वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। थाना कोतवाली नगर और महिला थाना पुलिस ने नवविवाहिता को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है। कल नवविवाहिता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले खबर थी कि एसएसपी से शिकायत करने पहुंची नवविवाहिता को उसके परिवार के लोग जबरन ले गए हैं। स्कूटी पर उसे ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब नवविवाहिता ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि वो खुद अपने परिवार के लोगों के साथ गई थी। देखो खतरा हो गया, उन्होंने यहाँ से वो कार में बैठकर पुलिस वालों के साथ देने के लिए मुझे वहाँ पहुँची। आप उनको बता के नहीं आई थी? मैं उनको बताकर नहीं आई थी, ये मेरी गलती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से मैं सही सलामत आई हूँ यहाँ पर एसएसपी के पास। अच्छा। हाजिर हुई मैं वहाँ पे, मैंने एसएसपी को बयान दिए कि मेरी घर वालों को कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और नहीं मेरी ससुराल वालों को कोई भी, मतलब मुझे परेशान नहीं करे, बस मैं सही सलामत जिनके साथ मैंने कोर्ट मैरिज किया बस मैं उनकी उन्हीं के साथ खुश रहना चाहती हूँ, बस मेरे ससुराल वालों को वो परेशान ना करें मेरे घर वाले। अभी आप किसके साथ जाना चाहती हैं? मैं सुहेल के साथ रहना चाहती हूँ, बस उन्हीं के साथ खुश रहना चाहती हूँ। आप किसके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहती हैं? मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती अपने घर वालों की तरफ से, बस मैं ये चाहती हूँ कि बस वो मेरे ससुराल वालों को परेशान नहीं करें। लड़की को लेके दो दिन पहले कोर्ट मैरिज करी थी, मैं किसी का बयान देने आया था लड़की को लेकर, लड़की के घर वाले आए, लड़की को जबरदस्ती ले गए, उसमें उसकी चाचियाँ थी, अम्मी थी, तीन चार लेडीज थी और चार पांच जेंट्स थे, उसके चाचा थे तीनों, वसीम, नसरू और फैया था फुरकान और चार पाँच जन और, वो सब उन्हें जबरदस्ती मारते पीटते ले गए उसे स्कूटी पर बैठा कर। तो लड़की क्या बालिक थी? लड़की बालिक थी, लड़की पूरी 24 साल की है। लड़की ने अपनी मर्जी से खुद कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज कितने दिन पहले किया आपने? अभी क्या था, हमने 1 तारीख में गाजियाबाद से NCR गाजियाबाद। तो अब आपने कोई शिकायत पत्र दिया पुलिस को? जी, वकील ने दिया है, हमने पुलिस को बुलवा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कार्रवाई करी जाएगी। तो कहाँ ले गए? सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कचहरी रोड पर SSP ऑफिस के बाहर एक महिला को जबरदस्ती जो है अगवा कर लिया गया। बाद में वो महिला मेरे ऑफिस उपस्थित हुई जिसमें उसने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने घर वालों के साथ गई थी, उसका किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था।